हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं एंटी नेट के लिए। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेषण की तीव्रता को गंवाने की आकांक्षा है? तो वह सहभागी प्रेषण विधि है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेष्य भारी के रूप में प्रेषित संस्कृति के बारे में प्रश्न उठाने के लिए वस्तु प्रकता बरकरार रखते हुए शोध को सुनकर करता है? तो व्यवहार परक परिप्रेष्य है। फिर है, प्रभाववादी विकृति की संभावना कम करने के लिए अभिलेखों पर मात्रात्मक पद्धति में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो वह विषय वस्तु विश्लेषण। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किसने जीवन वृत्त दृष्टिकोण का एक वैभिन्न जिसे साहित्य लोक गाथा कहा है विकसित किया है? तो वो डॉल्बी स्टॉलन। फ्रेंड्स, आपको जो है ऐसे बहुत सी वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको जो है ऐसी लैंग्वेज जो पेपर में आती है उसको देखने की सुनने की आदत पड़ जाए, और जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको ये लैंग्वेज अजीब नहीं लगेगी, आपको मतलब आप कर पाएंगे। तो आपको आदत लगाने के लिए डेली एक एक वीडियो ज़रूर देखनी होगी। आप उन क्वेश्चनों को लिख सकते हैं, याद करें ताकि आपको इनकी हैबिट पड़ सके। फिर देखते हैं, सामाजिक अन्वेषण के क्षेत्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रचलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको गया है? फ्रेडरिक रैपले को। सामाजिक अनुसंधान में वैधता निम्नलिखित में किसका सूचक है? एक और दो, यानी कि जिस सीमा तक एक मापन सत्य होने की गुणवत्ता रखता है। फिर अगला क्या है, एक परीक्षण उसका मापन करने के अभिप्रेत होता है जिसका मापन करने के लिए वह निर्धारित होता है। अगला है, जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है उसे कहा जाता है परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता। एक केंद्रीय प्रवृत्ति यानी XMD के विचलनों के वर्गों का योग क्या कहलाता है? प्रसरण, वैरियंस। अगला है, एक पंक्ति व्यू में एक मान इस तरह का है कि आधी मध्य ऊपर और आधी नीचे, इस मान को क्या कहा जाएगा? मध्यमिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल फूको की कृति नहीं है? तो इसमें से क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक नहीं है, लेकिन मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द ऑर्डर ऑफ मिथ्स थिंग्स, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये दोनों तीनों जो है मिशेल फूको की बुक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, समय और काल के परे पूर्व विद्यमान संरचना और व्यक्तिक अभिकरण एजेंसी की अंतक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों की संरचना निर्धारण को किस रूप में वर्णित किया जाता है? संरचनाकरण में। किसके लिए वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या है, उत्तर आधुनिकतावादी। अगला देख लेते हैं, भारत में विविधता की शोध क्या सम्मिलित है? तो ABCD यानी कि निर्जाति, उद्गम, जातियां, धर्म, भाषाएं, सभी। एन के बोस के अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास किया गया था बी और डी यानी कि सापेक्षिक रूप से शांतिपूर्ण स्थितियों में सांस्कृतिक बहुलता का एक प्रतिरूप है। संस्कृति की विविधता किंतु सभी समुदाय में आत्मनिर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहित करना, ठीक है। फिर है, भारत में किसे समाजशास्त्र, इतिहास परकवाद और सांस्कृतिक विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है? तो MN श्रीनिवासन। किसने इस बात पर जोर दिया कि प्राप्त नहीं है कि भारतीय समाजशास्त्री एक समाजशास्त्री बने अपितु उससे पहले एक भारतीय बने? DP मुखर्जी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।